फेमिनाइज़, अगर आप अपनी साधना में गहरे जाना चाहते हैं या फिर अपनी इंट्यूशन पावर, अपनी साइकिक पावर्स बढ़ाना चाहते हैं, इन शॉर्ट अगर आप अपनी थर्ड आई को ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए बेस्ट टाइम है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो 4 दिन होते हैं वो, यानी कि आपके पीरियड ख़त्म होने के बाद, पूरी तरह से ख़त्म होने के बाद के 4 दिन। इन दिनों में आप थर्ड आई मेडिटेशन एटलीस्ट अगर 2 बार करते हैं, या फिर नॉर्मल जो भी आप साधना कर रहे हैं वो अगर ज़्यादा करते हैं, तो आप ध्यान में बहुत ही जल्दी गति कर लेते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मली फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू मेल बहुत जल्दी होते हैं, और इसी टाइम में आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने में गति करती है। तो आप थर्ड आई मेडिटेशन ना भी करना चाहें तो इन दिनों अपनी जो साधना है या फिर जो भी मेडिटेशन आप करते हैं उसको ज़रूर बढ़ाएं। आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप इन दिनों में बहुत ही जल्दी गहरे में जा रहे हैं। और यहाँ पे एक वार्निंग, अगर आप थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं तो अपने गुरु के गाइडेंस के अंडर ही करें, ठीक है? और अगर आपका कोई गुरु नहीं भी है तो आप अपने जो स्पिरिट गाइड्स हैं या फिर अपने एंजल्स हैं, आर्क एंजल्स हैं, उनसे पहले प्रोटेक्शन और हेल्प लें। प्रोटेक्शन लेना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है? तो ये 4 दिन बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि नॉर्मली आप जो सालों तक, महीनों तक साधना करते हैं और उसके बाद आपको जो लाभ मिलते हैं वो कभी कभी इन 3-4 दिनों में ही मिल जाते हैं। तो अपने पीरियड्स के बाद के ये 4 दिन का लाभ ज़रूर उठाएं।